हाय एवरीवन, माय नेम इज शफकान आलम एंड आज हम समझेंगे कन्वर्ट रेट के बारे में सारी चीज़ें कि किस तरह से हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड डैशबोर्ड ओवरव्यू को हम देखेंगे, अकाउंट सेटिंग्स, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, लैंडिंग पेज, कस्टम डोमेन, ब्रॉडकास्ट ईमेल, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कन्वर्ट किट का. जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करोगे सो आपको ये ओपन हो जाएगा. ऑल यू हैव टू डू जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट फ्री अकाउंट. ओके, जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट फ्री अकाउंट, देन अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है. एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड, इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा कन्वर्ट किट का. ओके, सो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा ग्रो, ग्रो में सब्सक्राइबर, लैंडिंग पेज, सेंड के, ब्रॉडकास्ट, सीक्वेंसेस, ईमेल, स्नैपेट्स, ऑटोमेट. सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे. उससे पहले आपको यहाँ पे जाकर, जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे जाकर आपको कुछ सेटिंग्स कर लेनी है. ओके, यहाँ पे लॉग इन डिटेल्स में जाकर ईमेल में आपको जाना है. ईमेल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको, अगर आप अपना कुछ और दूसरा ईमेल आईडी भी अगर आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि फिर अगर आप ब्रॉडकास्ट करोगे या आप ऑटोमेशन ईमेल ऑटोमेशन पे भी जाओगे आप, तो आप वो ईमेल का ईमेल आईडी को यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे और आप ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हो, राइट. दूसरी ईमेल आईडी से अगर आप ईमेल, जैसे आप ईमेल सेंड करोगे तो वो वही ईमेल आईडी से आपका जाएगा. ओके, नाउ उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें, जो भी एड्रेस है, सिटी, स्टेट एंड जिप कोड, कंट्री, इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है. एंड यहाँ पे आपको उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देनी है, राइट. अगर आपको एड्रेस, मान लो अगर आप अपना फिल नहीं करना चाहते, सो जस्ट क्लिक ऑन द लर्न मोर. एंड कन्वर्ट किट ये अलाउ करता है कि आप जो है अल्टरनेट ईमेल एड्रेस, मतलब एड्रेस ये वाला यूज़ कर सकते हो, राइट, एज द एड्रेस, अल्टरनेटिव्स फॉर योर फिजिकल एड्रेस. सो दिस इज द वेरी गुड फीचर. ओके, एंड जस्ट गो टू द, लेट्स गो टू द डैशबोर्ड. ओके, सो अगर, एंड अब आप कोई कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करना चाहते हो. ओके, सो हम जाएंगे सब्सक्राइबर पे. सब्सक्राइबर में जाने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको ऐड सब्सक्राइबर पे क्लिक करना है. यहाँ पे तीन ऑप्शन आएगा, ऐड ए सिंगल सब्सक्राइबर, अगर वन बाय वन आप यूज़ कर इसमें ऐड करना चाहते हो तो भी आप ऐड कर सकते हो. यहाँ पे नाम आपको डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी, इस तरह से करके आप कर सकते हो. ओके, एंड सेकंड ऑप्शन है इंपोर्ट ए CSV, मतलब एक्सेल शीट अगर आपका है, एक्सेल शीट में बहुत सारे लिस्ट है आपके ईमेल, तो यहाँ पर आप इम्पोर्ट करके डायरेक्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो. या कोई अनदर प्रोवाइडर आप यूज़ कर रहे थे एंड वो सारा ईमेल डेटा आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं. एंड अब हम बात करते हैं लैंडिंग पेज. ठीक है, सो ग्रो में आता है सब्सक्राइबर्स एंड लैंडिंग पेज. सो सब्सक्राइबर्स में आपको दिखेंगे सारे, जो भी आपके आप किसी कोचिंग इंडस्ट्री से हो, राइट, या आप फ्रीलैंसिंग करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो या नेटवर्क मार्केटिंग में हो, एंड आप बिगिनर लेवल पे हो, आप अपना ईमेल लिस्ट को बिल्ड करना चाहते हो, राइट. सो बिगिनर के लिए कन्वर्ट किट इज ए वेरी गुड ऑप्शन. तो जो भी सब्सक्राइब करेंगे आपके लिए, लेट्स सपोज आप लीड मैग्नेट या फ्रीबीज दे रहे हो, जो भी उनके लिए जो सब्सक्राइब करेंगे, तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर लिस्ट सारा दिखेगा आपको. ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज लैंडिंग पेजेस एंड फॉर्म्स. सो लैंडिंग पेजेस एंड फॉर्म्स में जाने के बाद आपको दो ऑप्शंस आते हैं, लैंडिंग पेज एंड फॉर्म्स. यहाँ पे आप क्रिएट न्यू में करके जस्ट क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है एंड देन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, लैंडिंग पेज. ओके, सो लैंडिंग पेज पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स, गुड क्वालिटी लैंडिंग पेज आपको दिख जाएंगे, राइट. सो जो भी आप यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो. लेट्स सपोज मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे आप तो एक भी करके, लेट सपोज अगर ईबुक पे आप क्लिक करते हो, सो लेट सपोज मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ. ओके, चूज,
ओके। सो उसके बाद ये सारी चीजें आप एडिट कर सकते हो। लेट सपोज आप कोई फ्री गाइड दे रहे हो, ओके, फ्री गाइड 5 वेज टू मेक मनी या 5 अल्टीमेट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, ओके। सो ये सारी चीजें आप एडिट कर सकते हो। गेट माई फ्री ई बुक नाउ और यू कैन जस्ट ask for first name, email address. अगर आप तीसरा ऑप्शन ऐड भी करना चाहो तो आप यहाँ पे ऐड सपोज कस्टम फील्ड एंड कस्टम फील्ड लेट्स सेलेक्ट व्हाट्सएप नंबर। सो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आ गया, राइट, एंड कोई भी यहाँ पे आपके लैंडिंग पेज पे आएगा, वो अपना नाम, ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सएप नंबर डालेगा एंड यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसे भी आप एडिट कर सकते हो डाउनलोड नाउ की जगह पे, राइट। या लेट्स सपोज आप देखना चाहते हो गेट एक्सेस सो ये कर सकते हो आप यहाँ पे। एंड यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, ओके, एंड उसके बाद जो भी आपका कवर होगा, कवर पिक्चर यहाँ पे आप रिप्लेस में करके पर जो भी है यहाँ से अपलोड करके आप यहाँ से कर सकते हो, ओके। सो अब ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो, ओके, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है एंड ये सारी चीज़ें। अब हम लिंक कहाँ पे डालेंगे, ओके, जो भी आपने ई बुक बनाया है। सो लेट सपोज कोई यहाँ पे अपना डिटेल्स फिलअप करता है एंड गेट एक्सेस पे क्लिक करता है, राइट। सो गेट एक्सेस पे लेट सपोज इसे हम कर देते हैं ऑप्टिन पेज, ओके, ऑप्टिन पेज एंड नेक्स्ट पेज हम एक ऐड कर देते हैं थैंक यू पेज, राइट। सो थैंक यू पेज, कोई भी वहां पे डाउनलोड पे क्लिक करेगा, पहला ऑप्शन तो ये है आपके पास कि जैसे ही गेट एक्सेस पे कोई क्लिक करता है तो सबसे पहले ये सारी चीजें आपको करने के बाद आपको यहाँ पे जानी है सेटिंग्स में, ओके। सेटिंग्स में जाने के बाद इंसेंटिव्स में जाना है आपको एंड यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है, जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो भी पीडीएफ फाइल आपने बनाया है, कोई फ्री गाइड है, राइट, जो फ्री बीज है, फ्री लीड मैग्नेट जो आप देना चाहते हो, वो पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, राइट, जो भी आपके वहाँ से पीसी से यहाँ से अपलोड हो जाएगा एंड मेक श्योर यू क्लिक ऑन सेव चेंजेस, सेव, तो सेव पे जैसे ही क्लिक कर दोगे वो हो जाएगा, राइट। सो मैंने जो बनाया है मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बनाया है, लेट्स अभी हम चलते हैं लैंडिंग पेज एंड फॉर्म्स में, ओके, उसके बाद लैंडिंग पेज एंड फॉर्म्स में जाएंगे, देन ई बुक मैंने नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो, राइट। सो मैंने इस तरह से बनाया, गेट यू फ्री गाइड नाउ एक्शन टेकर्स और मनी मेकर्स, बाय द वे इस ईबुक का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो, ओके। लेट्स सपोज आपका कोई पीडीएफ गाइड है, फ्री गाइड है, फ्री बीज देना चाहते हो, राइट, आप जस्ट यहाँ पे आपको उसका कवर पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देना है एंड ये 3 फील्ड्स आपको डाल देना है एंड कोई भी अगर पर्सन यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता है, ओके, तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आप उसे मतलब कहाँ पे ले जाना चाहते हो, देख आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जो भी डाउनलोड पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही रीडायरेक्ट हो जाएगा वो थैंक यू पेज, ओके। थैंक यू पेज पे अगर आपको कोई फ्री गाइड है, ओके, फ्री गाइड दे रहे हो तो आप थैंक यू पेज पे डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड का लिंक डाल सकते हो, राइट, ये ऑप्शन आता है, प्लस का ऑप्शन करके यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप पीडीएफ गाइड का या गूगल डॉक्स का जो भी लिंक है आप यहाँ पे थैंक यू पेज में आप कर सकते हो। तो कोई भी पर्सन अगर ऑप्ट इन करेगा, जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेगा, तो वो रीडायरेक्ट होगा थैंक यू पेज पे एंड थैंक यू पेज पे आकर वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है, फर्स्ट ऑप्शन। एंड अगर लेट सपोज आपको कोई वेबिनार है, कोई ऑटो वेबिनार है, आप थैंक यू पेज पे चलाना चाहते हो, राइट, सो उस केस में यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और, पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है कि पीडीएफ गाइड आप यहाँ पे दे सकते हो डाउनलोड करने के लिए थैंक यू पेज पे,
दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मैंने कर रखा है कि यहाँ पे थैंक यू पेज पे आपको ये दिखेगा ऑप्शंस, ये मैंने कर रखा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लीज चेक योर ईमेल। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ईमेल पे उनको पीडीएफ गाइड दे रहा हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे लिंक डाल नहीं रखा, मैं ईमेल पे दे रहा हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको सेटिंग्स, यहाँ सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। ओके, सेटिंग्स में जाने के बाद जब आप जनरल में देखोगे तो व्हेन ए विजिटर सब्सक्राइब टू द पेज, राइट, अगर कोई भी विजिटर सब्सक्राइब करता है तो आप उसे कहाँ पे ले जाना चाहते हो। शो ए सक्सेस मैसेज, एक सक्सेस मैसेज आप दिखाना चाहते हो, या रीडायरेक्ट टू थैंक यू पेज। ओके, तो मैंने रीडायरेक्ट टू थैंक यू पेज कर रखा है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है रीडायरेक्ट टू एक्सटर्नल पेज, मतलब कोई दूसरे पेज पे भी आप रीडायरेक्ट उसे कर सकते हो। तो मेरे केस में मैंने रीडायरेक्ट टू थैंक यू पेज पे किया हुआ, जैसे कोई भी डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो वो थैंक यू पेज में आ जाएगा। ओके, थैंक यू पेज में उसको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा कि प्लीज चेक योर ईमेल। ओके, अब ईमेल के लिए आपको यहाँ पे इंसेंटिव्स में जाना होगा, राइट। इंसेंटिव्स में जाने के बाद जो भी कोई भी पर्सन सब्सक्राइब करेगा, अगर आप उसे ईमेल पे फ्रीबीज देना चाहते हो तो एडिट ईमेल कंटेंट्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड जो भी आपके सब्जेक्ट लाइन है यहाँ पे आपको लिखना है, एंड ईमेल कंटेंट जो भी है वो यहाँ पे आपको लिखना है, एंड यहाँ पे डाउनलोड का लिंक आपको डालना है। ठीक है, ये हो गया इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब कोई भी पर्सन सब्सक्राइब करेगा, डाउनलोड पे क्लिक करेगा, थैंक यू पेज में आएगा, तो इंस्टेंट उसके ईमेल पे ये ईमेल चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो दो ऑप्शन है, आफ्टर कंफर्मिंग रीडायरेक्ट टू, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर कंफर्म करता है वहाँ पे ईमेल में, तो ईमेल पे जैसे ही वो कंफर्म करता है तो आपको यूआरएल कोई दूसरे वेबसाइट पे आप भेजना चाहो तो वहाँ पे भी भेज सकते हो। तो मेरे केस में मैंने डाउनलोड पे किया हुआ, राइट। तो कोई भी ईमेल में, अच्छा आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑटो कंफर्म न्यू सब्सक्राइबर्स। ओके, सो अगर आप इसे चेक कर देते हो, क्लिक कर देते हो, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, व्हाई यू शुड नॉट ऑटो कंफर्म सब्सक्राइबर्स। ऑटो कंफर्म मींस कि कोई भी पर्सन, मतलब कि कोई भी पर्सन अगर कंफर्म नहीं भी करेगा ईमेल पे तो उसको डाउनलोड, मतलब वो डाउनलोड कंफर्म, जैसे मेरे केस में मैंने नहीं किया हुआ, राइट। तो जब वो कंफर्म करेगा, जो मैं ईमेल पे फ्रीबीज जो मैं भेज रहा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ, राइट, तो जब वो कंफर्म पे क्लिक करेगा तो कंफर्म हो जाएगा, प्लस ऑटोमेटिकली जो भी फ्रीबीज जो लीड मैग्नेट मैं दे रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा मेरे केस में। ओके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एंड यहाँ पे आप जो भी पीडीएफ है, पीडीएफ आपका पीडीएफ गाइड, वो यहाँ पे आप डाउनलोड, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ओके, बाकी अदर ऑप्शंस भी एडवांस्ड है एसईओ, बट इस पर मैं बात नहीं कर रहा। जो जनरल है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो मतलब इनिशियली आपको जानने की ज़रूरत है, दैट इज़ जनरल में कि आप उसे कहाँ पे ले जाना चाहते हो, राइट। रीडायरेक्ट टू थैंक यू पेज, एंड कोई आपका पीडीएफ गाइड है तो आप थैंक यू पेज में भी उसे, उस लिंक को आप कर सकते हो, थैंक यू पेज से वो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकता है। या फिर आप ईमेल पे भेजना चाहते हो तो आप जो है थैंक यू पेज पे मैसेज डाल सकते हो कि प्लीज़ चेक योर ईमेल, तो उसके ईमेल पे चला जाएगा, राइट। इस तरह से आप कर सकते हो सारी चीज़, एंड आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ओके, लेट सपोज मान लो कोई आपका वेबिनार है, ऑटो वेबिनार है, तो कोई भी पर्सन यहाँ पे, मान लो आपको जो भी आपका वेबिनार है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें आप करोगे। उसके बाद वॉच वेबिनार, लेट सपोज आते हैं यहाँ पे लिखते हो वॉच वेबिनार, उस पर क्लिक करता है वो थैंक यू पेज पे आएगा, एंड थैंक यू पेज पे आपका जो वेबिनार का वीडियो है, राइट। सिमिलरली आपको जो प्लस आइकन है इस पर क्लिक करके आप वीडियो जो है वो भी अपलोड कर सकते हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट वो थैंक यू पेज पे आपका वेबिनार देख सकता है। ओके, उसके बाद अगर आप कस्टम डोमेन लेना चाहते हो तो जस्ट गो टू द डैशबोर्ड। कस्टम डोमेन अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो जस्ट यस कस्टम डोमेन, सो योर कन्वर्ट की डोमेन इज दिस। ओके, सो इसे आप चेंज करना चाहते हो तो कस्टम डोमेन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो,
उसके लिए आप GoDaddy से कस्टम डोमेन, GoDaddy से डोमेन आप परचेज कर सकते हो, 1 ईयर के लिए होता है, 2 ईयर के लिए होता है, राइट। तो अगर आप कस्टम डोमेन परचेज करना चाहते हो, लेट सपोज अगर मैं करूँ तो shafqanalam.com इस तरह से, सो आपका एक वेबसाइट बन जाएगा, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड ए कस्टम डोमेन करके, फिर कस्टम डोमेन यहाँ पे करना है एंड होम पेज ईबुक या ऑब्जेक्ट इस तरह से। नाउ अब मान लो आपके कुछ सब्सक्राइबर्स हो गए, ओके, आपने जो भी फ्रीबीज दिया कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया, अब अगर आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो तो ब्रॉडकास्ट के लिए आपको सेंड पे जाना है, फिर ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करना है, ओके। न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करने पे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लाइन लिखना होगा, ओके, एंड यहाँ पे जो भी कंटेंट है, जो भी ईमेल आप लिखना चाहते हो वो लिखने के बाद, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपको इंसर्ट एक्सपोज पर्सनलाइजेशन, क्लिक ऑन पर्सनलाइजेशन, ओके, एंड सब्सक्राइबर फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा सब्सक्राइबर फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे आप जो भी कंटेंट आप अपना लिखना चाहते हो लिख सकते हो, हाय सब्सक्राइबर का फर्स्ट नेम आ जाएगा, हियर इज योर गिफ्ट, जस्ट एज अ सैंपल मैं आपको बता रहा हूँ, हियर इज अ फ्री गिफ्ट। उसके बाद जो भी कंटेंट आप लिखना है लिख सकते हो, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद, ओके, यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो करेगा एंड यहाँ पे जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। जैसे टोटल हमारे 110 सब्सक्राइबर्स हैं, तो अगर सभी को मुझे भेजना है तो मैं सिर्फ ऑल पे कर दूंगा, राइट, एंड कंटिन्यू करूँगा, तो ये जितने भी 110 सब्सक्राइबर्स हैं वन क्लिक में ये ब्रॉडकास्ट चला जाएगा ईमेल, राइट। अभी मैं बैक पे आता हूँ, अभी यहाँ से हम जाएंगे कंटिन्यू पे। सो लेट सपोज आप फिल्टर लगाना चाहते हो, मान लो ऑल सब्सक्राइबर्स की जगह पे, मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे सब्सक्राइब्ड टू, सो मान लो आपने कोई ईबुक बनाया हुआ है, सब्सक्राइब्स टू फॉर्म सीक्वेंस टैग्स प्रोडक्ट्स, तो इस तरह से आप फिल्टर कर सकते हो सब्सक्राइब्स टू, या विद इन सेगमेंट ओल्ड सब्सक्राइबर सब्सक्रिप्शन डेट फर्स्ट नेम ईमेल एड्रेस कस्टम फील्ड, लेट्स सपोज कस्टम फील्ड अगर आप सेलेक्ट करते हो एंड यहाँ पे योर नेम, इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। सो कस्टम फील्ड अगर आप ऑल सब्सक्राइबर पे क्लिक करते हो, ऐड फिल्टर, देन कंटिन्यू, उसके बाद जैसे आप ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करोगे सेंड ब्रॉडकास्ट, सो ये वन लिंक में 110 सब्सक्राइबर्स के पास ईमेल चला जाएगा, राइट। सो इन फ्री प्लान आप ब्रॉडकास्ट यूज कर सकते हो एंड 1000 सब्सक्राइबर तक कर सकते हो, बट ऑटोमेशन फ्री प्लान में सिर्फ जो मिसिंग है वो ऑटोमेशन फीचर्स है, ओके। सो अब हम ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं। डैशबोर्ड पे चलते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेशन है, राइट, यहाँ पे ग्रो था, ग्रो में आपको सब्सक्राइबर, जो भी आपके सब्सक्राइबर होंगे वो यहाँ पे दिखेगा, जो भी आपके लीड मैग्नेट या जो भी आपको फ्रीबीज आप दे रहे हो उसके लिए जो सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर वहाँ पे दिखेंगे एंड लैंडिंग पेज जो आपने क्रिएट किया है वो वहाँ पे दिखेगा। सेंड में आपका ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आता है जो अभी मैंने आपको बताया एंड नेक्स्ट ऑटोमेट, ओके। ऑटोमेट में हमें जाना है विजुअल ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ पेड प्लान में, ओके। इनिशियली आप फ्री प्लान यूज कर सकते हो, ओके।
इन फ्यूचर आपको लगता है कि अगर आप स्केल अप करते हो इन फ्यूचर में, तो फिर आप ऑटोमेशन यूज कर सकते हो. ऑटोमेशन इट कॉस्ट आई थिंक $9 और $29. ओके, सो माय ऑटोमेशन में सिंपली आपको करना क्या है, ऑटोमेशन में जाने से पहले ओके ऑटोमेट, लेट्स सपोज जस्ट अ मिनट. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सिक्वेंस में जाना है एंड सिक्वेंस में जाकर ईमेल सिक्वेंस ऐड करना है. ओके, क्योंकि ऑटोमेशन जब आप इनेबल करोगे राइट, उसके बाद आपको कुछ ईमेल सिक्वेंस, आप जितने भी अनलिमिटेड ईमेल सिक्वेंस लगा सकते हो एंड यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि एक दिन के बाद या दो दिन के बाद ईमेल सेंड करना चाहते हो राइट. लेट सपोज आपने, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 1 2 3 1 2 3 4 5 6 तो 6 ईमेल सीक्वेंस मैंने बना रखा है राइट. एंड ये एवरी डे, मतलब जो भी ईबुक के लिए वो ऑप्ट इन करेगा मेरे ईबुक के लिए, उनको अगले 6 दिन तक ईमेल जाएगा राइट. सो ये ऑटोमेशन में फॉलो अप हो रहा है. तो ये ऑटोमेशन जो है पेड प्लान है, मैं पेड प्लान यूज कर रहा हूँ ऑटोमेशन. ओके, आपको करना क्या है, ऑटोमेट करने से पहले, ऑटोमेशन से पहले आपको सेंड पे जाके सीक्वेंस में जाने हैं. सीक्वेंस में जाकर कुछ ईमेल सीक्वेंस आपको करने हैं, रेडी करने, प्रिपेयर करने राइट. जब आप सारे ईमेल सीक्वेंस प्रिपरेशन कर लोगे, देन उसके बाद आपको ऑटोमेट में जाना है एंड विजुअल ऑटोमेशंस में जाना है. विजुअल ऑटोमेशंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको आएगा सारा ऑप्शन राइट. जैसे ई बुक ऑप्टिंग मैंने लिखा हुआ है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो 108 सब्सक्राइबर्स. देन उसके बाद ये कहाँ पे आ रहे हैं, ई बुक, जिन्होंने ई बुक ऑप्टिन किया है सो ये यहाँ पे आ रहे हैं राइट. करेंटली आगे भी आप कर सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो, कंडीशंस में टैग्स. ओके, टैग्स में मान लो बुक और व्यूड कंसल्टेशन सेशन, एड कंसल्टेशन, देन यहाँ पे आप उनको मतलब एक स्पेसिफिक वेज में आप ले जा सकते हो राइट. इस तरह से कि जिन्होंने कंसल्टेशन बुक किया उनको कहाँ पे ले जाना है राइट, जिन्होंने बुक नहीं किया उनको कहाँ पे ले जाना है राइट. तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो. जस्ट एज अ सैम्पल, एज एग्जाम्पल मैंने आपको बताया. तो ऑटोमेशन से पहले आपको ईमेल सीक्वेंस ऐड करने होंगे सारे ईमेल राइट. पहले तो आपको जो भी ईमेल एंड कोई भी पर्सन आपके फ्रीबीज के लिए, लीड मैग्नेट के लिए सब्सक्राइब करता है, तो एक तो उसको इंसेंटिव ईमेल इंस्टेंट उसी टाइम चला जाएगा राइट. एंड उसके बाद जब भी आप दो दिन के बाद ईमेल सेंड करना चाहते हो, चार दिन के बाद, वो ईमेल सीक्वेंस में आप शेड्यूल कर सकते हो एंड वो ऑटोमेशन में वो आपका ईमेल जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने ऑटोमेशन लगा रखा है, तो आप देख रहे हो टोटल 841 ईमेल सेंड हो चुके हैं ऑटोमेशन में राइट. एवरेज क्लिक रेट यहाँ पे है, एवरेज ओपन रेट 27.5%. तो यहाँ पे डैशबोर्ड में आपका सारा दिखाता है ईमेल सब्सक्राइबर्स राइट. तो अगर आप बिगनर हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग करते हो, या आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है या कोर्सेज है राइट, इनिशियली आप मतलब एक बिगनर लेवल पे हो एंड आप अपना ईमेल लिस्ट बिल्ड करना चाहते हो राइट, सो कन्वर्टकिट इज अ बेटर ऑप्शन. एंड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड क्रिएट योर फ्री अकाउंट एंड 1000 सब्सक्राइबर तक आप फ्री यूज कर सकते हो. देन लेटर ऑन आपको लगता है कि ऑटोमेशन पे जाना चाहिए, सो यू कैन चूज योर पेड प्लान. ओके, बट इनिशियली यू कैन बिल्ड योर ईमेल लिस्ट अप टू 1000 सब्सक्राइबर्स. एंड कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका कन्वर्टकिट से रिलेटेड, सो जस्ट टाइप इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन. ओके, सो टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें. शफकान आलम साइनिंग ऑफ.